हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। ये यूनिट वन का फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है। और मैं वीडियो बहुत दिनों बाद ला रहा हूँ, कॉलेज काम थोड़ा बिजी हो गया था। आगे की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास में, इसलिए मुझे जल्दी से वीडियो बनाना पड़ा। और क्या बोलते हैं कि अभी मैं इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे कि मैं टोटल नोट्स बनाऊँ, तो मैंने क्या किया है, बुक को ही यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है केले हैमिल्टन प्रमेय, ठीक है। देखिए केले हैमिल्टन प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रमेय लिखा हुआ है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह स्वतः के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभिलाक्षणिक समीकरण मैं आपको बता चुका हूँ, उसको आप जा करके पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह स्वतः के अभिलाक्षणिक बहुपद का एक शून्यक होता है। देखिए जैसे अगर हमारे पास में कोई भी अभिलाक्षणिक समीकरण मिलता है, जैसे कि लेमडा स्क्वायर माइनस थ्री लेमडा प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो क्या होता है, इसका जो मैट्रिक्स होगा, देखिए यहाँ पे बोला गया है प्रत्येक वर्ग आव्यूह स्वतः के अभिलाक्षणिक समीकरण, ये अभिलाक्षणिक समीकरण अगर हो गया तो उसको संतुष्ट कहते हैं। मतलब कि ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है मतलब कि ये मैट्रिक्स जो है अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, इस प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम प्रूफ कैसे कहते हैं। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह पहले हमें लेना पड़ेगा और उसका अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो मान लो कि ए क्षेत्र एफ पर, ये क्षेत्र एफ जो है आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी वो इसका मतलब जो टॉपिक है अभी नहीं आया है, बाकी इसका यूज यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्षेत्र एफ पर एक वर्ग आव्यूह है, अर्थात ए जो है कुछ इस प्रकार है ए वन वन ए वन टू अपटू सो ऑन ए वन एन, ए टू वन ए टू टू अपटू सो ऑन ए टू एन, और ए एन वन ए एन टू अपटू सो ऑन ए एन एन। ये एन क्रॉस एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। इसका अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होगा, देखिए जब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसका अभिलाक्षणिक बहुपद निकल जाता है, और उसमें ए माइनस टी आई करना पड़ेगा। कहीं पे लेमडा लेते हैं, कहीं पे टी लेते हैं, कहीं पे एक्स लेते हैं, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो हम ले लिए फंक्शन एफ टी, मतलब ये बहुपद हो गया कोई जिसका जिसमें मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का या फिर टी के साथ में टी आई के साथ में डिटरमिनेंट निकालने पर उसका अभिलाक्षणिक बहुपद निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभिलाक्षणिक बहुपद, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका हर एक पार्ट में मल्टीप्लीकेशन करने पर, कितने बार भी मल्टीप्लीकेशन करो, उसका हाईएस्ट पावर जो होगा टी का वो एन ही होगा, ठीक है। और उसके जितने भी कोफिशियंट मिलेंगे वो कांस्टेंट ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जैसे कि हो गया वन टू थ्री फोर है। अगर इसका हम अभिलाक्षणिक बहुपद निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले तो वन माइनस टी, टू थ्री और फोर माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट अगर निकाले वन माइनस टी आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, फोर माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो तो वन माइनस टी और फोर माइनस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू टू इक्वल टू सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो वन माइनस टी, तो वन माइनस माइनस वन माइनस फोर टी माइनस प्लस टी स्क्वेयर माइनस सिक्स, ये हो गया। तो टी स्क्वेयर माइनस फाइव टी माइनस फाइव, ये आ गया हमारा बहुपद। मतलब जितने पावर का, जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस टू ऑर्डर का है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पावर का इतना मिला, एन मिला, यहाँ पे टू मिला था, टू क्रॉस टू ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसलिए यहाँ पे पावर टू मिला था। यहाँ पे एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए पावर जो है एन मिला है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही मिलेगा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो हम उसे ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन नाम दे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अतएव ए जो है ए का अभिलाक्षणिक समीकरण एफ टी इक्वल टू जी है, अर्थात ठीक है, जब समीकरण लेते हैं तो इक्वल टू जीरो लगाना पड़ता है, तो उसका अभिलाक्षणिक समीकरण क्या हो जाएगा, एफ टी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो मिला था वैल्यू उसको हम जीरो के बराबर लिख दिए। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, क्योंकि ए माइनस टी आई के अवयवों की टी में अधिकतम घात कितनी है, टी के अवयवों की अधिकतम घात ठीक है वन है। ए माइनस टी आई क्या है, ये है, ठीक है। इसकी अधिकतम घात कितनी है, वन है, ये टी है, इसकी अधिकतम घात वन है। इसको नहीं बोला गया, ठीक है, इसको बोला गया है ए माइनस टी आई, उसका मैट्रिक्स को बोला गया है, तो उसका अधिकतम घात कितना है, टी में वन है। अतएव एडजॉइंट ए माइनस टी आई, अब उसका एडजॉइंट जब निकालते हैं तो
तो वो जो t है वो कम हो जाता है, एक कम हो जाता है। साधारण बहुपद है जिसकी घात n माइनस वन, इसकी घात n है तो इसकी घात क्या हो जाएगी, n माइनस ये वन, या इससे कम हो जाएगी। अपीच हमें ज्ञात है कि अवयव एडज्वाइंट ए माइनस टी आई के अवयव, अवयव ए माइनस टी आई के अवयव के सहखंड है, अर्थात यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है वही बात बोलेगी यहाँ पे, जिसको हम निम्नांकित रूप में लिख सकते हैं। एडज्वाइंट को ही इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देखिए उसका जो मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार लिख के हम इसको पावर एन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, वन होगा। बी जीरो का पावर जो है इसके मैट्रिक्स का पावर होगा वो एन होगा, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ए माइनस टी आई है, मतलब इसमें अगर टी लगा दिया जाए तो ये ए माइनस टी आई बन जाएगा, ठीक है, माइनस टी सब में कह दें तो क्या बन जाएगा, ए माइनस टी आई बन जाएगा। तो उसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो हर एक मिलेगा वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि 1 2 3 4 अगर इस पर लिखा हुआ है तो अगर इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो एक मैट्रिक्स फॉर्म मिलता है, या फिर ऐसा बोल दें कि अगर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो इस और इस लाइन छोड़ के जो बचेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद में जब इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़कर 4 6 7 9 को लेते हैं, ठीक है। तो हर एक बार हर एक टाइम जो है हमें क्या मिल रहा है, एक मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। तो वही मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है B0 B1 B2 और BN-1, ठीक है। इसके बाद देखिए तो एडजॉइंट हमें क्या मिला, एडजॉइंट ए माइनस टी इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन टी प्लस बी टू टी स्क्वायर प्लस बी थ्री अप टू सो ऑन बी एन माइनस वन टी एन माइनस वन मिला, ठीक है, जहां बी आई जो है एफ पर एन कोटि के वर्ग का अवयव है, ठीक है। बी मिलेंगे हमें सभी एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसके अवयव टी से स्वतंत्र है, उसमें टी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब हम जानते हैं एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब कि अगर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो ए इनवर्स कुछ ऐसा होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए उधर तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए और यहाँ पे ए इनवर्स। अब दोनों साइड अगर ए अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई मिल गया और एडजॉइंट ए इंटू ए हो गया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये तो पहले का रिजल्ट है, आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए वही यहाँ पे किया गया है, एक जगह ए माइनस टी आई लिया गया है और एडजॉइंट ए माइनस टी आई लिया गया है, ठीक है, और राइट साइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस टी आई लिया गया है। उसके बाद समीकरण एक तथा दो की सहायता से उपयुक्त को हल करने पर, ठीक है, समीकरण एक क्या था हमारे पास में, जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिए थे वही था, ये हमारा समीकरण नंबर एक था, ठीक है। तो ए माइनस टी आई का डिटरमिनेंट इतना मिला था, उसी को यहाँ पे रख दिया गया है, ए माइनस टी आई डिटरमिनेंट इतना मिला था उसको यहाँ पे रख दिया गया, और लेफ्ट साइड में ए माइनस टी आई और एडजॉइंट ए माइनस टी आई को यहाँ से लिया गया, ठीक है, बी जीरो प्लस बी वन टी प्लस बी टू अप टू सो ऑन बी एन माइनस वन टी टू द पावर एन माइनस वन। अब देखिए हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी जीरो के साथ मल्टीप्लाई कौन सा होगा, बी जीरो ए इंटू बी जीरो हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो उसके बाद में इसका मल्टीप्लीकेशन इस हिसाब में होगा तो क्या मिलेगा, बी जीरो टी मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसमें आते हैं, तो ए का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी वन प्लस ए बी वन टी मिल गया, ठीक है, और उसके बाद में इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में होगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में माइनस में बी वन टी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले, उसके बाद में ये ए का मल्टीप्लीकेशन बी टू के साथ में तो बी ए बी टू टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक तो मिल गया ए बी जीरो, अब टी वाला क्या मिला, ए बी वन माइनस बी जीरो, उसके बाद ए बी टू माइनस बी वन, इस प्रकार हमें मिला। तो हम दोनों साइड कंपेयर कर देते हैं, राइट साइड में क्या है कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा है, ए जीरो है, और लेफ्ट साइड में कॉन्स्टेंट टर्म ए बी जीरो है, ठीक है। तो ए बी जीरो किसके बराबर हो गया, ए जीरो के बराबर हो गया। सेम वैसे ही टी के मल्टीपल में कौन कौन सा है, ए वन है, तो राइट साइड में ए वन आ गया और लेफ्ट साइड में ए बी वन माइनस बी जीरो, ठीक है, ए बी वन माइनस बी जीरो। उसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाए तो ए बी टू माइनस बी वन और राइट साइड में ए टू है, टी टू टी स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे ए टू है और लेफ्ट साइड में टी टू का कोफिशियंट क्या है, ए बी टू माइनस बी वन आ जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, ए बी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस टू इज इक्वल टू ए एन माइनस वन आई, और उसके बाद में माइनस में आई बी एन माइनस वन इक्वल टू ए एन आई, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स मिलना था इसलिए सब जगह पे आई मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या किया गया इसमें, इसमें आई का मल्टीप्लीकेशन, इसमें ए का मल्टीप्लीकेशन, इसमें ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, इस प्रकार इसमें ए एन माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन और इसमें ए एन का मल्टीप्लीकेशन करके सभी को एड कर दिया गया है। अगर इसमें ए का मल्टीप्लीकेशन करते हैं ये तो आई का वैसे ही रहेगा, इसमें ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर बी वन और यहाँ पे ए बी जीरो मिल जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब बी टू और यहाँ पे ए स्क्वायर बी वन आ जाएगा। तो देखिए ए बी जीरो यहाँ पे और ए बी जीरो यहाँ पे कट गया, ए स्क्वायर बी वन यहाँ पे, ए स्क्वायर बी वन यहाँ पे हो गया, कट गया। तो इसी प्रकार आगे ये कटते चले जाएगा, तो हर एक पार्ट जो है कट जाएगा। ठीक है, हर एक पार्ट कट के क्या मिला, ये तो पूरा का पूरा जीरो मिल गया। और राइट साइड में क्या बचा, ये आई आ गया था, उसके बाद में ए वन ए ए टू ए स्क्वायर अप टू सो ए एन माइनस वन, ए टू द पावर एन माइनस वन और ए एन और पावर में भी ए एन मिला। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, इन सभी को भी एड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए जीरो आई प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर अप टू सो ऑन ए एन ए टू द पावर एन इक्वल टू जीरो। और यही हमें प्रूव करना था, ये क्या हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वल टू जीरो हमें मिल गया सभी को एड करने पर, मतलब कि एफ ए इक्वल टू जीरो, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्या बोला गया था प्रश्न में, प्रत्येक वर्ग अवयव स्वतः के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था इसका, ये वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, और इसमें वैल्यू पुट करने पर क्या मिल रहा है, हमें जीरो के बराबर मिल रहा है, जहां जहां टी था वहां पे ए पुट कर दिए और ए पुट करने पर वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर मिल रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, या फिर ऐसे जो भी इक्वेशन मिलेंगे उसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन संतुष्ट कर रहा है बोल सकते हैं। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको ए जो है मैट्रिक्स जो है संतुष्ट कर रहा है, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आगे देखिए हम इसका यूज करके अब हम प्रूव करेंगे, ए इनवर्स भी निकालेंगे और संतुष्ट होता है कि नहीं होता उसको भी देखेंगे। यहां से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसके अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि यह ए द्वारा संतुष्ट होता है करके, हमें सत्यापित भी करना है और ए इनवर्स भी ज्ञात करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम इसका अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालने का सूत्र क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो टू माइनस लेमडा माइनस वन, वन माइनस वन टू माइनस लेमडा माइनस वन, वन माइनस वन टू माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसका मल्टीप्लीकेशन इसके डिटरमिनेंट के साथ में होगा, तो क्या हो गया टू माइनस लेमडा आ गया और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो टू माइनस लेमडा ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस वन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टू माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस माइनस वन आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए वन अब इसको ले रहे हैं हम, चले चाहे जैसे इसको ले सकते हैं, क्या मिल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में, तो माइनस वन और टू माइनस लेमडा का मल्टीप्लीकेशन और माइनस वन और वन का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट तो आप निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए इसको लेते हैं तो वन और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस वन मिला और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस टू माइनस लेमडा मिल गया। ठीक है, इक्वल टू जीरो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद देखिए हम इसको विस्तार करते हैं तो क्या मिलेगा, टू प्लस लेमडा स्क्वेयर, ये पावर में है ना, यहाँ पे नहीं है, होल स्क्वेयर है, टू स्क्वेयर प्लस लेमडा स्क्वेयर प्लस फोर लेमडा। ठीक है, माइनस वन, ये तो फोर हो जाता, फोर प्लस लेमडा स्क्वेयर प्लस फोर लेमडा माइनस वन, ये इन दोनों को मिला के थ्री आ गया, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद प्लस माइनस में फोर लेमडा, अच्छा एक माइनस में आ गया क्योंकि माइनस फॉर्मूला है, माइनस फोर लेमडा प्लस लेमडा स्क्वेयर जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बस उसी को यहाँ पे लिखा गया है और जो बाहर में था टू माइनस लेमडा वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या मिल जाएगा, माइनस टू प्लस लेमडा और प्लस वन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माइनस टू प्लस वन करने पर माइनस वन मिल जाएगा और ये वाला लेमडा को यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए बाहर में वन है और अंदर भी क्या बचा, ये माइनस टू हो जाएगा और प्लस लेमडा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लेमडा माइनस वन बचा,
तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व करने पर कितना मिला देखिए, 2 into 3 6 और 2 into 4 लेमडा मतलब की 8 लेमडा और 2 into लेमडा स्क्वायर मतलब की +2 लेमडा स्क्वायर फिर -3 लेमडा इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में, उसके बाद में लेमडा माइनस में 4 लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लेमडा क्यूब माइनस लेमडा क्यूब ठीक है, तो वही माइनस लेमडा क्यूब यहाँ पे आ गया क्योंकि और कोई भी माइनस लेमडा क्यूब नहीं है। उसके बाद लेमडा स्क्वायर यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिला है तो 4 और 2 6 लेमडा स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद में देखिए -8 लेमडा -3 लेमडा -11 लेमडा हो गया और इन दोनों को 2 प्लस लेमडा है उनको माइनस कर दिया गया तो -9 लेमडा हो गया। फिर उसके बाद 6 और -1 -1 तो 6 - 2 = +4 आ गया ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आया है, अब पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला, लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर + 9 लेमडा -4 ठीक है ये आ चुका है। अब हम इसको सत्यापित करेंगे, हम सत्यापित करेंगे कि ए क्यूब मतलब जहां जहां लेमडा था वहां पे हम ए रख दिए तो ए क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर + 9 लेमडा -4 आई। तो हम पहले तो ए क्यूब निकालेंगे, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालने के लिए पहले ए रखना पड़ेगा, ए रख दिए। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए दोनों ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें मिला इतना, आप मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हैं ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला इतना 6 - 5 5 - 5 6 - 5 5 - 5 6 ये हमारे पास में आ गया। अब ए क्यूब को भी निकाल लिए ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए कर दिए तो हमारे पास क्या मिला, ए स्क्वायर का मतलब वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे भी एक का वैल्यू रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 22 - 21 21 - 21 22 - 21 21 - 21 22। अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बहुत टाइम निकल जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ ठीक है, अगर डाउट होता है बताइए मुझे, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए। देखिए इसके बाद में देखिए अब उसको हम सेटिस्फाई कराएंगे, मतलब जितना भी हम निकाले हैं वैल्यू ए ए स्क्वायर ए क्यूब और आई सभी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे ठीक है, तो हमें उसको 0 के बराबर लाना है। अगर 0 के बराबर आता है तब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर 0 के बराबर नहीं आता है मतलब 0 मैट्रिक्स हमें अगर नहीं मिलता है 3 क्रॉस 3 का तो वो अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है करके ठीक है। देखिए सभी को यहाँ पे रख दिए वैल्यू को और उसके साथ जो कोफिशियंट है उसको मल्टीप्लीकेशन सभी के साथ में, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है तो वही वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद इसमें 6 का मल्टीप्लीकेशन है तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो गया, -4 मल्टीप्लाई हो गया ठीक है। देखिए यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22 है और -6 इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, देखिए ये तो हमारे पास में ये वाला मैट्रिक्स मिल गया, इसमें क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 मिल जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 30 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 30 मिल जाएगा, यहाँ पे -30 मिल जाएगा, यहाँ पे 36 फिर -30 5 -5 अच्छा यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, 30 - 30 और 36 मिल जाएगा यहाँ पे ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करें इसमें तो क्या 18 - 9 9 - 9 18 - 9 और 9 - 9 यहाँ पे 18 मिल गया ठीक है। ये 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4 ये मिल गया, हम इसके लिए अलग से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ठीक है। तो देखिए सभी को एक में ही ऐड करने पर क्या मिल रहा है, 22 पहले है 22 फिर -36 उसके बाद में ये वाला -18 + 18 है और -4 कितना मिला, 22 + 18 करेंगे तो 40 हो जाएगा और 36 और 4 को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40 - 40 = 0। सेम वैसे यहाँ पे अगला मतलब मेंबर भी आएगा -21 और यहाँ पे +30 हो जाएगा ठीक है, -30 हो जाएगा, +30 - 21 9 बचा और यहाँ पे देखिए -9 + 9 - 9 करने पर 0 मिल जाएगा ठीक है। तो फर्स्ट जो 0 मिल गया फिर सेकंड वाला भी 0 मिल गया, थर्ड में आते हैं 21 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या मिलेगा 6 और
5 को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 30 मिला है, तो प्लस 21 और माइनस 30 करने पर कितना मिलेगा, प्लस 21 माइनस 30 करने पर माइनस में 9 मिलेगा और यहाँ पे प्लस 9 मिल जाएगा, माइनस 9 प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया। सेम ऐसे सभी जो है 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या मिल गया, एक 0 मैट्रिक्स मिल गया, मतलब कि ये अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना था और सत्यापित करना था कि हमें संतुष्ट करता है, ए द्वारा संतुष्ट होता करके, ये हो गया संतुष्ट। उसके बाद में समीकरण एक को, अब समीकरण एक क्या है हमारे पास में, ये वाला समीकरण नंबर एक है, इसमें हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इनवर्स करने पर क्या मिलेगा, समीकरण नंबर एक क्या था, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई इज इक्वल टू ओ था, ठीक है। तो इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, इसमें ए स्क्वायर का ए आ जाएगा क्योंकि एक कम हो रहा है सभी में, इसमें ए जो है ए इंटू ए इनवर्स करने पर आई मिलता है ना, इसलिए यहाँ पे 9 आई आ गया और यहाँ पे माइनस 4 ए इनवर्स आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए ए इनवर्स को छोड़ के जितना भी वैल्यू है उसको राइट साइड चेंज करिए, ठीक है, राइट साइड में ले गए तो ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6 ए प्लस 9 आ गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आई आ गया। अब ये जो 4 था, ठीक है, उसको भी राइट साइड ले जाएंगे तो 1/4 में चेंज हो जाएगा, या फिर ऐसे यहाँ पे किया गया है, ये जो वैल्यू है इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, मतलब कि राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और 4 ए इनवर्स मिलेगा और ये 4 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, मतलब 1/4 और इतना जो ही मिलेगा वैल्यू वो उसका इनवर्स होगा। अब हम पहले निकाल लेते हैं ये जो वैल्यू मिला है उसको, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आ गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी है और 6 ए की वैल्यू इतनी और 9 आई की वैल्यू इतनी मिली हमें, सभी को एड करने पर 3 1 माइनस 1 1 3 1 और माइनस 1 1 3 ये मिल गया, तो ए इनवर्स इक्वल टू हमें मिला, अब इसके साथ 4 का भी मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये जो वैल्यू मिला है उसके साथ में 1/4 का मल्टीप्लीकेशन, तो 1/4 मल्टीप्लाई कर दिए और जो भी वैल्यू यहाँ पे मिला है आप यहाँ पे 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपका ए इनवर्स निकल जाएगा, ये जो मिला हमें वही उसका ए इनवर्स होगा, ठीक है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें बोला गया है कि अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि यह ए द्वारा संतुष्ट होता है तथा इसका प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए ए माइनस लेमडा ए, तो हमें क्या मिला, उसका बहुपद जो है लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा प्लस 2, ये हमें मिल गया। अब इसको संतुष्ट कहता है कि नहीं कहता, इसको देख लेते हैं पहले, तो पहले ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे और ए तो हमारे पास में आई निकालेंगे, तो सभी को निकाल लिए तो आई में हमें तो हमारे पास था ए था हमारे पास में, ए स्क्वायर निकाल लिया और ए क्यूब निकाल लिए, सभी वैल्यू को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे मैट्रिक्स लिखने के बाद में संतुष्ट करा देंगे, तो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, 0 आता है तो वो अपने समीकरण को संतुष्ट करता है। देखिए वैल्यू पुट किए, सभी वैल्यू को पुट करने पर और सभी को एड करने पर हमें क्या मिला, 0 मिला, मतलब कि ये क्या हो गया, अपने समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है, अतः कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित हो जाता है। अब हम ए इनवर्स का आकलन करेंगे, हम यहाँ से ए इनवर्स निकालेंगे, तो जो हमें मैट्रिक्स मिला था, जैसे ये मिला था हमें मैट्रिक्स, इसमें हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से गुणा कर देंगे, तो ए इनवर्स से गुणा करने पर यहाँ पे वी इनवर्स आ गया, यहाँ पे वी इनवर्स आ गया, यहाँ पे इनवर्स आ गया, यहाँ पे इनवर्स आ गया, ठीक है, तो क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस 6 ए, ठीक है, ए टू द पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो सिर्फ ए बचेगा, ठीक है, प्लस 7 आई माइनस 2 इनवर्स मिल जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें मिल गया, तो अब बाकी जो वैल्यू बचा इन तीनों को या फिर इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, प्लस में है प्लस 2 ए इनवर्स है ना, तो हम इन सभी को राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू, या फिर इसी को ले जाते हैं राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो राइट साइड जाके माइनस 2 ए इनवर्स आ जाएगा और ये माइनस 2 को इसके डिवाइड के फॉर्म में ले आते हैं तो माइनस 1/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मान निकालेंगे, तो ए स्क्वायर निकालेंगे पहले, तो ए स्क्वायर यहाँ पे पहले निकाल चुके हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए उसके बाद में, और ये जो बाहर में माइनस 1/2 है वो सभी के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लग जाएगा और यहाँ पे एक ब्रैकेट लग जाएगा, उसको लास्ट में अप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू निकला है उसमें माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। तो ए स्क्वायर में क्या मिला था, 508245 और 813 और 6 माइनस 6 ए, ठीक है, माइनस 6 ए है, तो यहाँ पे
माइनस वन बाई टू को मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसके बाद में यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, माइनस वन बाई टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री बचेगा, और माइनस वन बाई टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेवन बाई टू बचेगा, ठीक है। अब सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हर एक एलिमेंट के साथ में, और उसका तीनों को एड कर दिए, तो हमें क्या मिला, माइनस थ्री जीरो टू माइनस वन, वन बाई टू, वन बाई टू, टू जीरो माइनस वन, ये हमें मिला। और यही है क्या है, ए इनवर्स है, ठीक है। ए इनवर्स हमें निकालना था, ए इनवर्स यहाँ पे आ चुका है हमें पूरा का पूरा। पहले तो हम क्या निकाले थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालते थे कि ए इज इक्वल टू आई ए रख के निकालते थे। उसके पहले क्या निकालते थे, इनवर्स को कैसे निकालते थे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसमें बहुत टाइम लगता था। तो हम क्या करेंगे, इससे भी ना निकाल के ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स ए से हम इसको फाइंड आउट कर देते एलिमेंट्री ऑपरेशन से, प्रारंभिक संक्रियाएं से, ठीक है। अभी हम क्या करें, अभी लाक्षणिक समीकरण निकालेंगे और सीधे सीधे ए इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास निकल जाएगा ए इनवर्स शॉर्ट में निकल जाएगा, बहुत लंबा हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आगे ए इनवर्स भी निकल के यहाँ पे, यही हमारा आंसर है। अच्छा, इसके बाद में और टॉपिक नहीं है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं आप, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपकी आपको आगे की वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।